तो यहाँ भी एक करेक्ट. प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम को समझिए, हमने एक मैक्रो बनाया, उस मैक्रो में क्या है कि कई सारे शीट के डेटा मुझे एक शीट में एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कुलेट करना है, जिसके लिए हमारा एक कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हर शीट में डेटा बिल्कुल सेम है, मतलब कि सेम टाइप का है, सबके हेडिंग एक जैसे हैं और एक सीक्वेंस में, डेटा अलग अलग है लेकिन टाइप ऑफ द डेटा सेम। बट क्या ना सर, जिंदगी में हर कुछ सेम नहीं होता ना। कभी ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आपके पास किसी फील्ड में डेटा अरेंज ना हो, मतलब कि फरवरी पहले आए, मार्च में बाद में आए, जून पहले आए, जुलाई बाद में आए, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम इस तरह का मैक्रो बनाना चाहते हैं कि वो कॉलम के हेडिंग के अकॉर्डिंग डेटा को कुलेट करे, ना कि पूरी डेटा को जैसा है वैसा कॉपी पेस्ट करे। समझ गए? तो करेक्ट. बेसिकली हम हेडिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम कंडीशंस और हर चीज हेडिंग के अकॉर्डिंग लेंगे ना। तो यहाँ हम सब्जेक्ट पे लिखते हैं, एक तो एक लूप हमने लगाया जो कि चलेगा हमारे सीड्स के लिए, सेम जो हमने ऊपर किया था वो। इसमें हम इफ कंडीशन नहीं डाल रहे, आप अपने तरफ से इफ कंडीशन डाल दीजिएगा सीड को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है सर, ओके. अब यहाँ एक और लूप लगेगा, उससे पहले हम यहाँ पे डिम करते हैं कि डिम हेडिंग एच एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ एच इक्वल टू, यहाँ सॉरी यहाँ पे हम लूप लगाते हैं कि फोर आई इक्वल टू, चले आई नहीं जे हो जाएगा क्योंकि आई तो ऊपर ले चुका हूं मैं, जे इक्वल टू चले वन टू, कितने हेडिंग है जिसकी डेटा डेटा हमें लेनी है। अब ये हो सकता है कि मैंने अलग अलग हो, तो आप इसको एक तरह से काउंट करके कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि हम हमेशा पहले हम थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड फिर कॉम्प्लिकेटेड कोड यूज करते हैं ना, इसलिए। तो ये है आठ, आठ कॉलन है क्या सर? तो जे इक्वल वन टू हमने एट कर दिया, और फिर नेक्स्ट आई कर दिया, सॉरी, फिर यहाँ पे लिखते हैं एच इक्वल टू सेल्स, रोल नंबर वन होगा लेकिन कॉलम नंबर जे होगा, उसकी वैल्यू उठा लेगा। क्यों उठाएगा? क्योंकि तो हम उसको मैच करनी है, ढूंढनी है कहां पे, इस पहले वाले शीट में। तो यहां पे हम करते हैं शीट्स आई डॉट सेलेक्ट, राइट सर, ओके. मतलब डेटा शीट पे आएगा। पहले उसने क्या किया कि वो यहाँ पे डेटा शीट पे गया, यहाँ से नेम को उठा लिया जिसको उसको ढूंढना है, और उस नेम को लेके वो चला गया पहले शीट में। अब पहले शीट में भी यहाँ भी आठ कॉलन है हमारे, तो ये क्या इसमें उसको ढूंढना है इसको सारे ने? तो यहाँ पे हम एक तरीका और कर सकते हैं कि हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ एक वेरिएबल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फोर लूप भी दे सकते हैं।
एक और फॉर लूप इसमें लगाना होगा। इस चीज को जानने के लिए कि ये जो नेम कॉलन है वो डेटा सीट में कहाँ है, इसमें एक और कॉलन लगाना पड़ेगा। फोर के इक्वल टू चले 128, ठीक है। और यहां कंडीशन होगा कि इफ एच इक्वल टू सेल्स पहले नंबर रो और के कॉलन डॉट वैल्यू वैल्यू देन, मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, डिम सी एज ए इंटीजर ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ सी इक्वल टू के, और यहाँ पे एंड इफ और नेक्स्ट के। तो हमने फाइंड कर लिया कि जिस हेडिंग को हमें ढूंढना है कॉपी करने के लिए वो हेडिंग किस सेल में। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेल्स, अब हमें रो नंबर टू से रेंज, माफ कीजिए रेंज देना है यहाँ पे रेंज। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया सेल्स स्टार्टिंग पॉइंट है कि दो नंबर रो से के कॉलन से डेटा को उठाओ, लेकिन कहाँ तक के डेटा हो गए, स्टार्टिंग पोजीशन मिल गया ना, ये एंडिंग पोजीशन तो पता ही नहीं है। अगर आपको एंडिंग पोजीशन एक आपका फिक्स है कि 12 ही सेल है, तो आप यहाँ पे इजिली 12 कॉमा के कर सकते डॉट कॉपी। बट प्रॉब्लम क्या है सर कि हमें 12 को ऑटोमेट करना, इस 12 को ऑटोमेट कर लीजिएगा सर। हाँ, काउंट डॉट एक्सेल आप करना है ना। हाँ तो इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें छोड़ देता हूँ ताकि आप भी तो कुछ अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें। हाँ, समझ गया मैं। उसके बाद हम आएंगे शीट्स कहाँ पे, डेटा पे, डेटा शीट्स पे डॉट वैल्यू, ठीक है। डेटा शीट पे आए और मुझे यह नेम कैसे करना है। अच्छा एक चीज और करना है, लास्ट रो मुझे डिम एल आर एज ए, हमने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया क्योंकि मुझे पेस्ट कहाँ करना है, इस लास्ट रो का पता शुरुआत में ही करना है। तो यहाँ पे मैंने एल आर इक्वल टू हमने कर दिया रेंज डेटा सीट के अंदर, ठीक है, डेटा सीट के अंदर है ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस आप डॉट रो, उसका रो नंबर हम निकाल के रख लेंगे कि आखिर भाई मुझे डेटा पेस्ट कहाँ करना है। तो हम डेटा सीट पे आएंगे और यहाँ करेंगे कि रेंज, अब यहाँ रो पता है कॉलन हमारा जे है, तो हम यहाँ कर देते हैं सेल सेल्स, रो हमारा है लास्ट रो प्लस वन, क्योंकि तो हमने एक्सेलेस अप लिया है ऑफसेट नहीं लिया है, और कॉलन हो जाता है हमारा जे जो कि ढूंढ रहा है यहाँ पे जिसका हमने ढूंढा था डॉट पेस्ट स्पेशल, ठीक है। ओके। यहाँ नेक्स्ट जे है, नेक्स्ट जे। अब इसी चीज को कंटिन्यूअस वो करता जाएगा। चलिए इसकी देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, वन बाय वन इसको रन करते हैं। तो हमने यहाँ लिया, यहाँ एल आर पे वन आ गया, अब यहाँ पे फोर एक से आठ चलेगा, ए हेडिंग नेम आ गया, सीट आई पे पहले नंबर सीट पे गया और फिर एक से लेके आठ तक ढूंढा कि भाई एच कहाँ मैच कर रहा है, तो मैच कर गया कि भाई पहले नंबर कॉलन में एच है, और फिर भी इसको मैच करता रहेगा क्योंकि चलेगा लास्ट तक आठ तक, इसका भी उपाय है। तो इसको इसे कॉपी कर लिया, कॉपी क्यों नहीं हुआ, सॉरी यहाँ पे डेटा डॉट सेलेक्ट है ना हमारा, डॉट सेलेक्ट डेटा सीट पे जाना है सर, पेस्ट पेस्ट, ओ ये पेस्ट क्यों नहीं हुआ,
सर यहाँ आई नहीं होगा सर, यहाँ जे होगा। वन वन करना हमें, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। चलिए दोबारा, चल दोबारा करते हैं इसको। वन फिक्स है ना सेल हमारा। और यहाँ पे एक चीज और करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एग्जिट। वन कैसे आ गया सर? आई आई होना चाहिए ना। नहीं सर, रो तो फिक्स है ना हमारा। ठीक है, तो वन कहाँ से आ गया? देखिए यहाँ पे देखिए, ये समझिए रो रोल नंबर वन बोल रहे हो नंबर, तुम? लास्ट रोल नंबर ले लिया, डेटा शीट में पेस्ट अच्छा, कहाँ करना है। ओके तो मैंने ओके पेस्ट ओके ओके ठीक लास्ट डेटा हमारा वन पे है, पेस्ट टू पे करना है, क्योंकि यहाँ पे वन प्लस टू कर दिया होगा, राइट। फिर हमने इसके अच्छा एक कॉलन के हिसाब से मुझे चलना है, इसके कॉलन के हिसाब से चलना है। तो इसने देखा, इसने पहली हेडिंग क्या किया, हेडिंग कौन सा है, नेम। नेम वाली हेडिंग को लिया, पहले सीट पे चले गए। फिर इसने इस सीट के हर एक सेल पे डेटा को मैच किया कि कौन सा नीचा नेम, कौन सा डेटा नेम से मैच करता है। तो ये हो गया पहला नंबर रो और वन नंबर कॉलम। फिर नेक्स्ट टाइम में टू नंबर कॉलम, थ्री नंबर कॉलम, नहीं मैच करेगा तो आगे बढ़ेगा। तो मैच करते ही जो के की वैल्यू है वो सी पे स्टोर कर दिया, कर दिया। स्टोर ओके करने के बाद, स्टोर करने के बाद वापस ए यहाँ पे आया, कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया, डेटा शीट पे गया और यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट आया, फिर अगली सेल की वैल्यू उठा दिया, जैन जैन उठा लिया सर। फिर डेटा शीट में गया, सॉरी यहाँ पे डेटा है सीट आई में गया। फिर यहाँ एक से लेके इसने मैच किया, अब इसको दूसरे नंबर मिला तो सी पे इसने क्या कर दिया, टू कर दिया, कर दिया सर, हाँ सी पे टू ला दिया। और यहाँ पे एग्जिट फोर होके मतलब कि अब आगे नहीं चलेगा, आगे 5 मार्च को चेक नहीं करेगा, उसको रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया एग्जिट फोर, मतलब कि बाहर निकला, वो बाहर निकल गया, ठीक है सर। ओके एग्जिट फोर ना लगाऊंगा तो रिजल्ट मिलने के बाद भी ऑटो कॉलम को चेक करेगा, 8 बार आपका एक के लूप चलेगा, समझे। अब ये दूसरी सेल को कॉपी किया, कॉपी हो गया सर। फिर डेटा सीट पे जाएगा, अब इस पर जे कौन सा, दो है, और एलआर तो पता ही है वन, वन प्लस टू, तो टू नंबर रो एंड दो नंबर कॉलम पे जाके डेटा को पेस्ट कर दिया, कर दिया सर। फिर हाँ ओप क्या किया, फिर तीसरे हेडिंग को लोड किया फैट को, फिर उसके बाद सीट आई पे गया और फिर एक से लेके 8 तक चेक किया कि फरवरी कहाँ है, कितने नंबर कॉलम पे। तो उसको फरवरी तीसरे नंबर कॉलम पे मिल गया, तो सी पे क्या कर दिया उसने, फिर ये स्टोर कर दिया। और फिर ये जो के फोर चल रहा है, के फोर को एग्जिट कर दिया, वो आगे मार्च अप्रैल मई को चेक नहीं किया, ठीक है, समझे सर। फिर ओके उसने तीसरे नंबर सील के डेटा को उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया और फिर वापस चला गया मार्च के लिए। अभी मार्च में वैल्यू उठा ली सर, वापस सीट में आया, फिर वो मार्क्स की वैल्यू को चेक करेगा, जैसे मार्क्स की वैल्यू मिलेगा वो उसको उसकी नंबर को सी पे स्टोर करेगा और सीधे बाहर आएगा। फिर उसकी वैल्यू को कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद डेटा शीट पे जाएगा और लास्ट एलआर पे जाके इसने पेस्ट कर दिया पेस्ट। फिर यहाँ पे सेम इसी प्रोसीजर को वो कंटिन्यू करेंगे 8 रो तक, अप्रैल कर दिया, जून जुलाई हो जाएगा थोड़ी देर में। जुलाई कॉपी किया और यहाँ पे जुलाई पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही इसे मतलब कि अब आ गया जे पे, राइट। जे ने चेक किया कि जे 8 हो चुका है, तो फिर नेक्स्ट आई को दिया, मतलब कि दूसरे शीट को। आई ने अपनी वैल्यू चेंज कर दी, क्या हो गया, टू, एलआर हुआ। अब एलआर क्या है, 12, यहाँ पे आ गया 12, क्योंकि अब अगली वैल्यू पेस्ट कहाँ करना है, यहां से करना है, समझे। हाँ बेसिकली वी लुक अप ही कर रहा है ना सर। लुकअप ही है, लुकअप, लुकअप जैसा ही हाँ है। समझ अब वापस गया हेडिंग को लिया इसने, नेम हेडिंग, और फिर वापस आया सीट नंबर टू, दूसरे नंबर सीट पे पहुंच गया, इसी प्रोसीजर को फिर वो कंटिन्यू करेगा, समझे, दिख मैं। रहा हाँ है सर।
ओके तो हम कॉलन के हिसाब से डेटा को, कॉलन को आइडेंटिफाई करके डेटा को पेश कर रहे हैं। इसमें हमने तीन लूप का इस्तेमाल किया। पहला लूप सीट के लिए है, दूसरा लूप कॉलम के लिए, डेटा कॉपी करेगा उस कॉलम के लिए है। अब डेटा किस कॉलम में है जिसका कॉपी करना है उसके लिए हमारा तीसरा लूप, समझे। ओके अब इसके जगह पे हम मैच का फॉर्मूला लगा सकते थे, ये जो हम लगाए ना सर, इसके जगह पे हम सिंपल मैच का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते थे कि कौन सा नंबर का कॉलन है। बट प्रॉब्लम कब होगी, प्रॉब्लम होगी जब हम यहाँ कोई, मान लीजिए कोई कॉलन किसी में नहीं होगा तो मैच देगा एरर, और एरर आते ही आपका फॉर्मूला आपके कोड दे देगा एरर, समझे। हाँ, डीबग हाँ, डिबग एरर आ जाएगा। अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपकी कोई कॉलन नहीं है, मतलब कि मान लीजिए किसी मंथ का डेटा किसी सीट में नहीं है, तो अभी भी प्रॉब्लम करेगा। अब वो प्रॉब्लम का सलूशन आपको ढूंढना है कि वो सलूशन क्या है। आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो लास्ट में बताऊंगा, बट यू हैव फाइंड द सलूशन। पहले आप तो देखिए कि इंडेक्स इंडेक्स मैच कर सकते हैं सर? सर नहीं कर सकते इंडेक्स मैच, फॉर्मूला थोड़ी लगाना है हमें, डेटा एक एक करके कॉपी पेस्ट करना है ना, तो एक के नीचे एक करेक्ट करेक्ट एक करेक्ट के नीचे, सो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, समझ गए। ओके इसी चीज को फॉलो करना। अब इस कोड को समझिए, अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे तो इजी है। ट्राई ट्राई करता हूँ सर। कीजिए, फिर कल मिलते हैं, कल जीवन पे हम बात करें। श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू।